नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। आज हम अध्याय 15 पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका संघीय सरकार। हमने पूर्व के वीडियोस में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यहाँ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, जो कि अपने आप में विश्व की अनूठी कार्यपालिका कही जाती है, संघीय सरकार, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड में जैसा कि हमने संविधानों के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने यह भी पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में लागू हुआ था और 1874 में पूर्ण रूप से संशोधित होकर संघीय कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था। लेकिन 18 अप्रैल 1999 में स्विट्जरलैंड का जो संविधान नए स्वरूप में लागू हुआ, इसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दे दिया गया। अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्य, शक्ति, व्यवस्थापिका के साथ इसके किस प्रकार के संबंध हैं, उन सब का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार जो स्विट्जरलैंड की है, उसमें 7 सदस्य होंगे, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 175 के अंतर्गत किया गया है। संघीय सरकार के जो ये 7 सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड प्रबल प्रजातंत्रीय भावना वाला देश है, तो कार्यपालिका के निर्माण में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाना उचित प्रतीत नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। जो 7 सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया है, लेकिन प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर भी निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अगर भंग हो जाए, तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई सरकार चुन लेते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई भी पद रिक्त हो जाए, तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष जो अवधि बचती है, उसके लिए नए व्यक्ति का चुनाव भी करती है। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। संघीय सरकार के का जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष के रूप में उसके लिए कुछ कार्यों का प्रावधान किया गया है, जैसे कि राज्यमंडल के प्रतिनिधि के रूप में और संघीय सरकार के सभापति के रूप में। राज्यमंडल के प्रतिनिधि या राष्ट्रपति के रूप में जो संघीय सरकार का अध्यक्ष होता है, वो स्विस राष्ट्र का प्रतीक माना गया है। महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर होते हैं, उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी जो राजदूत होते हैं, उनका स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र को स्वीकार करता है। विदेशों में स्विस राज्यमंडल का प्रतिनिधि और अधिवक्ता माना गया है। इसी तरह संघीय सरकार के सभापति के रूप में वह सभा का सभापतित्व करता है। किसी विषय पर टाई की स्थिति जब आती है, तब निर्णायक मत का प्रयोग भी अध्यक्ष के द्वारा
किया जाता है। वह चूंकि संघीय सरकार के सदस्य के रूप में विभाग का अध्यक्ष होता है तो अन्य पार्षदों की भांति ही कुछ प्रशासनिक अधिकारों का भी प्रयोग करता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय जो कार्य होते हैं उनके निरीक्षण का अधिकार है, सुझाव, लेकिन वो केवल सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं दिए जाते। तो इस प्रकार संघीय सरकार का जो अध्यक्ष होता है उसे राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में और संघीय सरकार के सभापति के रूप में कुछ कार्य प्रदान किए गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद की अगर स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो वह शक्ति शून्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री या अन्य किसी भी राष्ट्र के कार्यपालिका प्रधान से उसकी तुलना करना अव्यवहारिक कहा जा सकता है, क्योंकि संघीय सरकार के एक जो अध्यक्ष है उसकी सर्वोच्च स्थिति नहीं होती, बल्कि जो 7 सदस्य होते हैं उनको समान स्थिति मिली हुई है। इसलिए स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि अध्यक्ष के कोई विशेष अधिकार नहीं होते। तो शक्ति शून्य की स्थिति है, लेकिन औपचारिक कार्यों का संपादन जो है वो अध्यक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका जो है, जो 7 सदस्य हैं उनके द्वारा किन कार्यों का संपादन किया जाता है। उसके अंतर्गत पहला आता है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों के रूप में संघीय कार्यपालिका जो है सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार के साथ संबंध निर्धारित करती है। इसके अलावा शासन व्यवस्था का संचालन करना, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति प्रदान करना और संघीय सेना के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका के शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंतर्गत संघीय सरकार के सदस्य जो हैं उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। हालांकि वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसकी बैठकों में उपस्थित होते हैं, मत देने के अलावा अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेते हैं। विधेयक का प्रस्तुतीकरण संघीय संसद के द्वारा संघीय सरकार के किसी विषय विशेष पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लगभग 95% जो विधेयक हैं वो संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों के द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित होते हैं उन्हें सर्वप्रथम संघीय सरकार के इन सदस्यों के पास विचार के लिए भेजा जाता है, तभी संघीय संसद उन पर विचार विमर्श करती है। इसके अलावा संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करना तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये हैं संघीय कार्यपालिका की विधायी शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियाँ जो हैं उसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस शक्ति के अंतर्गत संघीय बजट को तैयार करना, संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। आय व्यय का हिसाब संघीय संसद के को दिया जाता है। इसके अलावा राजस्व तथा अन्य कर एकत्र करना और संसद के द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करने का कार्य जो है वो संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगली शक्ति है संकटकालीन शक्तियाँ। हालांकि 1848 के संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका जो संस्था थी उसे संघीय परिषद, उसे कोई संकटकालीन शक्तियाँ नहीं दी गई थी, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि जब भी देश में आंतरिक और बाह्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो संघीय सभा के द्वारा परिषद को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं और स्विस संघीय जो परिषद थी उसके द्वारा विवेक के अनुसार कार्य किए जाते हैं। विगत जो
इतिहास रहा, व्यवहारिक स्थितियां रहीं, उसके अंतर्गत संकटकालीन जो स्थिति रही उसमें संघीय सरकार को विशेष आपातकालीन शक्तियां दे दी गई हैं। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं करती बल्कि कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से संकटकालीन अधिकार भी संघीय कार्यपालिका को दिए गए हैं। अगला आता है राज्य मंडलों और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। राज्य मंडल संघीय सरकार जो है वो राज्य मंडल और कैंटन के बीच में संबंधों का संचालन करती है और कैंटनों के साथ सहयोग प्रदान करती है। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जाँच करती है और अगर कोई संशोधन होता है तो उस पर स्वीकृति देती है। इसके अलावा कैंटनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उनका निरीक्षण भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से न सिर्फ संघीय सरकार जो है वो कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करती है बल्कि इसके साथ साथ राज्य मंडल और कैंटन के बीच में संबंधों का निर्धारण, संचालन भी संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम संघीय सरकार की व्यवस्था को देखते हैं तो हमें लगता है कि स्विस संघीय सरकार जो है वो अपने आप में अनूठी है, अलग तरीके की है। तो संघीय सरकार की जो विशेषताएं हैं उनको हम यहाँ दो बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला बिंदु है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का जो उदाहरण है वो अपने आप में स्विस संघीय व्यवस्था का एक अलग ही उदाहरण है। यहाँ पर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 6 सदस्य यानी 7 सदस्यों से मिलकर संघीय कार्यपालिका बनती है और इस प्रकार की कार्यपालिका विश्व के किसी अन्य राष्ट्र में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय। संस्थात्मक कार्यपालिका का एक श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन कहा जाता है और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण अमेरिका को कहा जाता है। कार्यपालिका के ये दो प्रकार के जो उदाहरण हैं वो देखे जाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार जो है वो संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों का बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ सम्मिश्रण किया गया है, समन्वय किया गया है और अपने आप में यह स्विट्जरलैंड को अन्य राष्ट्रों से अलग और विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय कार्यपालिका है जो कि अपने आप में अनूठी कार्यपालिका कही जाती है, विश्व के प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में अपने आप में अलग स्थान रखती है।